संधि पढ़ेंगे, लेकिन संधि को पढ़ने से पहले कुछ नियम को जानना जरूरी होता है कि हम व्याकरण कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। यदि हम संधि पढ़ लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसे सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैसे मैंने लिखा राम, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। लेकिन ये दो ही वर्ण नहीं होते, इनमें और भी बातें होती हैं, जैसे र फलन प्लस आ प्लस म फलन प्लस अ। जब इन चारों को मिला दिया जाता है, र क्या है आपका? व्यंजन है। आ क्या है? आपका स्वर है। म क्या है? आपका वही आपका व्यंजन है। और आ क्या है? आपका स्वर है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजन कितने हुए आपके? एक और दो। दो तो हुए आपके व्यंजन। और स्वर कितने हुए? एक और दो। कितने स्वर हुए? दो। अब यदि हम वर्ण की बात करें तो कितने वर्ण हुए यहाँ पर? चार वर्ण। यदि कोई ये पूछे कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या आ जाएंगे? चार वर्ण। अब इसको जानने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण किसे कहा जाता है। तभी हम किसी संधि के पद को उच्छेद करेंगे और उस पद को जान सकते हैं कि उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, और उस संधि का परिचय भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पर आयादि संधि है, गुण संधि है। ये आप जब पद उच्छेद करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सी संधि बताई गई है। स्वर, सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा बोलेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जो बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, जैसे अ। जब हम अ बोलते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यंजन मिला हुआ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। बिना किसी सहायता के यहाँ पर कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन हम उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता से, जिस तरह से हमने लिखा क, लेकिन ये क अकेला ही नहीं है। क के हम टुकड़े करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क फलन और अ। इसमें क्या है आपका? ये व्यंजन है। और इसमें क्या है आपका? ये स्वर है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाता है आपका क। इसी को ही हम कहेंगे कि ये जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से बना? स्वर की सहायता से। अतः व्यंजन की परिभाषा क्या हुई कि स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि संधि किसे कहते हैं। आगे की वीडियो में हम संधि के बारे में जानेंगे।